लोकसभा में पर्चा फाड़ने वाले सांसदों पर कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पर्चा फाड़ने वाले 10 सांसदों को निलंबित किया जा सकता है। सरकार की ओर से पर्चा फाड़ने वाले सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। आज सुबह जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामले पर हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने प्लैकार्ड फाड़कर उछाला। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने हूटिंग की। सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। संसद के दोनों सदनों में हंगामा करने के बाद विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि देश के लोग देख रहे हैं कि कौन किसकी आवाज दबा रहा है। उस समय आप विशेष सत्र बुलाना चाहते थे, आज वास्तविक सत्र चल रहा है, उसमें एक दिन कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं। पेगासस जासूसी मामले में विपक्षी दलों के सांसदों ने आज पैदल मार्च किया। राहुल गांधी समेत कई दलों के नेताओं ने इस मार्च में हिस्सा लिया। पैदल मार्च के बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पेगासस का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ हुआ है। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ क्यों किया। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोप पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी अपने फोन की फोरेंसिक जांच क्यों नहीं कराते हैं। राहुल जी, हथियार डाल दिया गया है आपके फोन में, तो आप इतने दिन तक बैठे क्यों हैं? आप हथियार निकालने के लिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट गए? आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए FIR किया आपने? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान सांसद राहुल गांधी भी थे। चर्चा के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि पेगासस, कोरोना और विपक्षी एकता पर चर्चा हुई। वी डिस्कस अबाउट पेगासस टू कोविड सिचुएशन एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द यूनिटी ऑफ द अपोजिशन। बस इट वाज अ वेरी गुड मीटिंग, पॉजिटिव मीटिंग। सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले ममता बनर्जी ने आज चाय पर चर्चा की। ममता बनर्जी से पूछा गया कि 2024 में मोदी के खिलाफ कौन होगा, तो उन्होंने कहा, मैं राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं हूं, ये स्थितियों पर निर्भर करता है। मैं अपने विचार किसी पर थोपना नहीं चाहती। जब हम मिलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। हम मिलजुल कर विपक्ष का चेहरा तय करेंगे। ममता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिली। ममता कल कुछ और विपक्षी नेताओं से मिल सकती हैं। असम और मिजोरम सरकार ने सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति जताई है। विवाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दखल के बाद आज तय हुआ कि दोनों राज्य सरकारें मसले के हल के लिए लगातार बैठकें करेंगी। असम मिजोरम विवाद पर केंद्रीय गृह सचिव ने 2 घंटे बैठक की। बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और DGP शामिल हुए। बैठक में तय हुआ विवादित जगह से दोनों राज्यों की पुलिस हटेगी। विवाद के निपटारे तक विवादित जगह केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। सोमवार को असम मिजोरम सीमा पर बराक घाटी में दोनों राज्यों की पुलिस के बीच सशस्त्र संघर्ष हुआ था। इसमें असम पुलिस के 6 जवानों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। सरकार ने बैंक में पैसा जमा करने वालों को सुरक्षा देने का बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन बिल 2021 यानी DCGC में संशोधन को मंजूरी दे दी। यानी अब कोई बैंक डूब जाता है तो इस कानून के बन जाने से बैंक में जमाकर्ताओं की 5 लाख तक रकम सुरक्षित रहेगी। जमाकर्ताओं को ये पैसा 90 दिन के अंदर मिल जाएगा। अभी जमाकर्ताओं की 1 लाख तक रकम सुरक्षित होती है। आज की कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया उससे अब ये तय सीमा होगी कि 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को, बैंक डिपॉजिटर्स को अपना पैसा 5 लाख की कीमत तक का मिलेगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस में बदलाव 27 साल बाद हुआ है। सरकार बिल को संसद के मॉनसून सत्र में ही पेश करेगी। 1 लाख बढ़ाने वाले भी मोदी जी के सरकार है। इंश्योरेंस या तो इट वॉज 50,000 रुपीज ओनली, और 1 लाख के बाद लगातार हम ही उसको बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, उसका टाइम सीमा के अंदर देने का कोशिश कर रहे हैं।
कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी अहम फैसला लिया। कैबिनेट ने कारोबारी अनियमितताओं के छोटे मोटे मामलों में जेल की सजा की बजाय जुर्माने के प्रावधान को मंजूरी दी। केरल में एक दिन में कोरोना के 22,000 केस आने पर लेफ्ट सरकार सवालों में आ गई है। केंद्र ने एक टीम केरल भेजने का फैसला किया है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि बकरीद पर लॉकडाउन में छूट से ही कोरोना फैला है। बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। देश में 24 घंटों में कोरोना के 50% केस अकेले केरल में आए हैं। कोरोना के 43,654 केस में से 22,129 केस केरल में आए। 24 घंटे में देश में संक्रमण दर 2.51% जबकि केरल में 12.35% रही। केरल में बकरीद के लिए 18 से 20 जुलाई तक लॉकडाउन में ढील दी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। IMA ने भी एतराज जताया था। ईद के बारे में भी हमने गवर्नमेंट को चेतावनी दी थी कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, लेकिन वो उन्होंने उनका डिसीजन ले लिया है स्टेट ने, तो अभी देखेंगे कैसा उसका इफेक्ट आता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक का आदेश नहीं दिया था, लेकिन कहा था कि लॉकडाउन में छूट की वजह से अगर संक्रमण फैला तो वो उचित कार्रवाई करेगा। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।